हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल पीएनपी व्लॉग्स। आई एम पायल और आज है संडे की इवनिंग, संडे शाम को। आज हम लोग कहीं नहीं गए, घर पे ही है। तो बस अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ हमारी चाय, और चाय मैंने बना दी है और साथ में मैं अभी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि इसके पापा को आज रोटी का चूरमा खाना है, इसलिए तो अभी मैं बना के रख दूँगी और थोड़ी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद बनाऊँगी। और यहाँ पे प्रहान देखिए, प्रहान उठ गया है और ये मेरी मजाक कर रहा है। रुक तो तू, चला गया चला गया। और रात का डिनर शायद मैं और प्रहान बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए। तो चलिए अभी जो भी करते हैं आपको बताते हैं। चलो बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना दी है, 5 से 6 रोटी बनाई है। अभी इसको मैं करीब 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसका चूरमा बहुत अच्छा। चलिए अभी हम पीते हैं हमारी चाय और उसके बाद बनाते हैं चूरमा या फिर बाहर जाएंगे, पता नहीं है, कुछ भी प्लान है नहीं। और प्रहान यहाँ पे खेल रहा है। देखिए अभी मस्त बारिश हो रही है और इस बारिश में गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खाने में हम प्रहान आ गए हैं। यहाँ पे है प्रहान, यहाँ पे है पकौड़ा, खाते हैं। और यहाँ पे भजिया भी हमने मंगवा लिया है। यस, और ये है मस्त ब्रेड पकौड़ा। ले लो ले लो ले लो ले लो, तुम्हें पसंद है, जो पसंद हो ले लो। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही बारिश रहती थी, तो बारिश में आए वॉकिंग का मज़ा नहीं आता है। आज एकदम थोड़ा क्लियर वेदर है, तो यस आई एम बैक। स्कूल चला गया है। तो बाहर ब्रेड पकौड़ा खा के मैं और प्रहान घर आ गए थे। घर आने के बाद उसे जाना था थोड़ी देर के लिए चौपाटी, तो हम 10-15 मिनट चौपाटी गए थे। आने के बाद मैंने उसे सुला दिया था, क्योंकि फिर मंडे स्कूल होती है, तो संडे रात को मैं ज़्यादा उसे नहीं घुमाती हूँ। और मंडे सुबह वो स्कूल चला गया और बस दोपहर का मैं लंच बना रही थी, तो साथ में सोचा मैंने कि रात की बची हुई जो रोटी है उसका मैं चूरमा बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ से रोटी को इस तरह से एकदम बारीक टुकड़े कर लिए हैं और एक बाउल में भर लिया है। यहाँ पे मैंने पैन में करीब 3 चम्मच जितना घी गर्म किया है, कि घी को मेल्ट होने में हार्डली 30 सेकंड का ही टाइम लगता है। और इस तरह से 2 गुड़ के बड़े बड़े जो टुकड़े थे उसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, ताकि ये पिघलने में इसे आसानी रहे। 2 ही मिनट में ये पिघल जाते हैं। अगर बड़े बड़े टुकड़े हम डालेंगे ना तो फिर घी जल जाएगा लेकिन गुड़ नहीं पिघलेगा। तो बस ये हमने पाई बनाई है, इसे गुजराती में पाई बोलते हैं, घी और गुड़ की पाई। तो ये पाई को मैं रोटी के ऊपर ऐड कर दूंगी। और बस अभी ये बहुत गर्म है, तो आप भी केयरफुल चम्मच से कीजिए और थोड़ी देर के बाद आप हाथों से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं हाथों से कर रही हूँ, लेकिन अभी गर्म तो है ही, तो मैं थोड़ा थोड़ा संभल के कर रही हूँ। हाथों से करेंगे तो एकदम से ये बारीक टुकड़े इसके हो जाएंगे और इवनली अच्छे से सारा जो घी और गुड़ है वो मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे प्रहान को खिलाने थे, इसलिए मैं इस तरह से बोल बना रही हूँ। आप चाहो तो चूरमा, वैसे चूरमा ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए हो तो इसे बोल बना सकते हैं। ये तो वंदन है, अब तो रूम मार गया। यहाँ पे देखिए ये प्रहान है ना, ये नीचे सो गया है, इसके ऊपर देखो जल्दी उठ गया। अभी बजे हैं 4:30 और यहाँ पे ये उठ गया है और इस तरह से देखो बैठा है। अभी मोबाइल देखेगा थोड़ी देर और बस थोड़ी बार मैं भी यहाँ पे सो रही हूँ। तो वो आज 4:30 बजे तो उठ गया, जैसे ही मैं फ्री होके रूम में सोने गई तो वो जाग रहा था, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर के लिए तू भी थोड़ा रिलैक्स कर, सो जा। तो बोले मुझे सोना नहीं है, मुझे अभी उठ जाना है, तुम भी मत सो। तो मुझे भी बाहर लेके आया रूम में से और अभी मैं यहाँ पर बस ऐसे ही मोबाइल देख रही हूँ। तो ये भी यहाँ पर इस तरह से मोबाइल देख रहा है। तो चलिए अभी थोड़ी देर के बाद हम उठेंगे, फिर चाय पियेंगे, इसको थोड़ा कुछ नाश्ता कराऊंगी। उसके बाद आज मुझे जाना है क्रोमा में, क्योंकि मुझे अपना क्योंकि कुछ लेना है इसीलिए जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग क्या लेने वाले हैं।
तो चलिए मैं रेडी हो गई हूँ, प्रहान भी रेडी हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं क्रोमा में, तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि जो चीज़ हमें चाहिए वो आने में, मतलब मैंने ऑर्डर कर दिया है लेकिन आने में कम से कम 10-12 दिन का टाइम लगेगा, तो उसके बाद ही मैं दिखाऊंगी। तो देखिए अभी मेरा जो हॉल है वो पूरी तरह से खाली हो गया है, यहाँ पे ये सब कुछ चीज़ें अभी रखी है लेकिन ये जगह हमने खाली कर दी है क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं हमारे सोफा। चलिए आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर आवर सोफा, तो चलिए अभी थोड़ी देर में ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद मैं सब ठीक करके आपको दिखाती हूँ। प्रहान यहाँ पे बैठ गया है, ये सारी चीजें देखने बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ एकदम बेसिक से भी मुझे मिल गए हैं बट एग्जैक्टली पता करना क्या है। यहाँ पे हो रहा है डिनर, यहाँ पे बना है पात्रा भाकरी, जो माइक है मतलब और बैंगन की सब्जी। कंट्रोल रूम में देखो यहाँ पर एक गेट है कंट्रोल। हाय प्रहान, ये मतलब डोर ओपन ही नहीं होगा मैकेनिकल लॉक इस वायर से सामने जो। तुम्हें नया लैपटॉप लेना है, ये वाला डोर ऐसे नहीं ओपन होने वाला। कब लेना है नया लैपटॉप? बटन है ना वॉल पे, मुझे वो बटन कल। यहाँ पर एक लीवर है, ठीक है चलो। तो देखिए गाइज यहाँ पे प्रहान जे कर रहा है और ये कितना अच्छा बना रहा है देखो। चलो प्रहान ने बहुत अच्छा बनाया। क्या ये दोनों बहुत अच्छे बनाए बेटा तूने? अभी तू है ना आराम से करना तो अच्छे बनते हैं, है ना? अभी बस देखो वाओ। अच्छा अब ऊंचू ना कर नाखवानू है? हाँ ये कर दो, इरेज कर दो थोड़ो। वाह देखो ये कितना अच्छा बना रहा है। और यहाँ पे हमारा डिनर हो गया है, डिनर में आज मैंने बनाए थे पात्रा। हाँ बेटा थोड़ी सी टूट गई, नो प्रॉब्लम। आज डिनर में हमने बनाए थे भाकरी और बैंगन की सब्जी इसके पापा के लिए, और हमारे लिए हमने बनाए थे पात्रा। तो क्या ये नहीं चलेगा? रोंग। चलो अभी मैं प्रहान को यहाँ पे होमवर्क करवा रही हूँ और बस अभी थोड़ी देर के बाद 11 बजे के आसपास इसे सुला देंगे। चलो चलो ठीक है बढ़िया। और चलिए अभी थोड़ी देर में प्रहान को हम सुला देंगे और उसके बाद कल सुबह से फिर से नई दिन नई शुरुआत हो जाती है। पूरा दिन ऐसे कैसे ही निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ये यहाँ पे जे ना मासी कह दिया था। तुम सबको मासी बोल देते हो, पापा को भी मासी बोल दिया था ना? हाँ। तो यहाँ पे प्रहान ने क्या बना दिया? What is this? J for juice, then J for this is this one. What? Chukkar. Chukkar. आज मैं जा रही हूँ प्रहान को लेके बाहर, तो मैंने बस ड्रेसअप भी थोड़ा कैजुअल टाइप का ही किया है, रूटीनली जैसे हम ड्रेसअप होते हैं तो उसी के साथ। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मैं डेली घर पे ही लगाती हूँ, लेकिन बाहर जाती हूँ तो मेरे पास ये मैक वाला जो कॉम्पैक्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं सनस्क्रीन के ऊपर इसे ज़रूर लगाना प्रेफर करती हूँ। और लगे हाथ मैंने आज ट्राई किया है ये नया वाला लिपस्टिक, तो इसका शेड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी न्यूड जैसा शेड है। जिसको न्यूड शेड पसंद है और जो डेली बेसिस पे लगाते हैं कहीं जॉब करते हैं तो उनके लिए ये शेड मुझे लगता है एकदम परफेक्ट शेड है। और दूसरी लिपस्टिक के कंपैरिजन में इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, इसकी 3 ग्राम क्वांटिटी होती है और बाकी में सब में 4 ग्राम आती है। तो यस ये मैंने मैक की लिपस्टिक की है, मैंने पहली बार एक्चुअली मंगवाई थी, माय फर्स्ट परचेज इन मैक लिपस्टिक।
इससे पहले मैंने मेक का फाउंडेशन यूज़ किया है, मेक का जो कॉम्पैक्ट पाउडर रहता है वो भी यूज़ किया है, वो दोनों का रिव्यू बहुत ही अच्छा था। लेकिन आज तक मैंने कभी लिपस्टिक ट्राई नहीं किया था, क्योंकि लिपस्टिक का जो शेड्स है उसके ऑप्शंस दूसरे कम रेंज में मुझे बहुत ही मिल जाते थे। और लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार मैक में डिस्काउंट चल रहा था, बाय वन गेट वन फ्री। तो एक्चुअली ये जो मैंने अभी की है, ये मैर इसका शेड है, तो ये मैंने मेन जो लिपस्टिक थी उसमें रखा था, और इसके साथ जो फ्री वाली थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, तो वो अभी नहीं आई है। लेकिन मैंने मेल किया था और कस्टमर केयर में बात की, तो उन्होंने बोला कि जैसे ही वो स्टॉक में आ जाएगी तो हम आपको सेंड कर देंगे, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि अगर आपको कोई दूसरे शेड में जो भी अवेलेबल है उसमें से अगर कोई चाहिए तो आप हमें मेल के थ्रू जान कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं सोच के बताती हूँ। तो इन लोगों की जो कस्टमर केयर की सर्विस है वो भी बहुत अच्छी है, और जितना मैंने सुना था कि मैक कंपनी एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक ब्रांड है, तो येस डेफिनेटली वहाँ से मतलब मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा मिला और सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिला। तो चलिए ठीक है, बस अभी मैं प्रहान को लेने नीचे जा रही हूँ, और उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे मार्केट में, मुझे थोड़ा काम है, क्योंकि वो ऊपर आएगा तो फिर मुझे बाहर जाने नहीं देगा। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ नीचे, उसका वेट करूँगी, उसके बाद सीधा ही चले जाएंगे बाहर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दीजिए, और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।